टैक्सी के मालिक को ठियोक से गिरिपुर तक के लिए टैक्सी बुक कराना उस समय महंगा पड़ गया जब रास्ते से ही शातिर इसे चकमा देकर उसकी गाड़ी लेकर फरार हो गई। पुलिस ने कड़ी मशक्कत करने के बाद गाड़ी को जम्मू कश्मीर के जम्मू से बरामद करने में सफलता हासिल की, जबकि शातिर अभी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े हैं। टैक्सी के मालिक को ठियोक से गिरिपुर तक के लिए टैक्सी बुक करना उस समय महंगा पड़ गया जब रास्ते से ही शातिर इसे चकमा देकर उसकी गाड़ी लेकर फरार हो गए। आपको बता दें कि ठियोक निवासी बीर सिंह से दो युवकों ने 28 मई 2019 को ठियोक से गिरिपुर के लिए गाड़ी बुक करवाई और आधे रास्ते में एक नाले के पास पानी पीने के बहाने उन्होंने गाड़ी को रुकवाया और जैसे ही टैक्सी चालक बीर सिंह शौच करने के लिए गाड़ी से थोड़ा दूर गए तो शातिर गाड़ी लेकर रफू चक्कर हो गए। उस समय चालक बीर सिंह का मोबाइल भी गाड़ी में था। वहीं जब चालक का पुलिस से संपर्क हुआ तब तक शातिर पुलिस की पहुंच से दूर जा चुके थे। वहीं पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद गाड़ी मिलने की उम्मीद छोड़ चुके टैक्सी मालिक बीर सिंह ने बताया कि पुलिस ने कड़ी मुशक्कत करने के बाद गाड़ी को जम्मू कश्मीर के जम्मू से बरामद करने में सफलता हासिल की, जबकि शातिर अभी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े हैं और उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही सिरमौर पुलिस उन शातिरों को पकड़ने में भी पुलिस कामयाबी हासिल करेगी। वहीं टैक्सी के मालिक व चालक बीर सिंह ने बताया कि कम संसाधन होने के बावजूद भी सिरमौर पुलिस ने उनकी काफी मदद की है, जम्मू कश्मीर जैसे राज्य से उनकी गाड़ी बरामद करके उन्हें दी है जिसकी वे उम्मीद छोड़ चुके हैं। वहीं उन्होंने प्रदेश के टैक्सी चालकों से अनुरोध किया कि किसी के लिए भी गाड़ी बुक करने से पहले उनके दस्तावेज जरूर अपने पास रख लें ताकि इस तरह की घटना किसी अन्य के साथ ना हो। मैं बीर सिंह सन ऑफ उदिराम विलेज टिंगर टनकोटी पोस्ट ऑफिस तहसील ठियोक 28/5/2019 की बात है। तो मतलब ठियोक से मेरे साथ सवारियां आई, दो सवारियां आई जी, तो उन्होंने गाड़ी बुक की है गिरिपुल के लिए। तो शीराबाग से आगे एक नाला पड़ता है, नाले में उन्होंने मुझे रुकने के लिए कहा पानी पीने के लिए। तो मैंने गाड़ी रोक दी नाले के साथ। मैंने जैसे ही गाड़ी रुकी तो वो मैं पेशाब करने उतरा तो मैंने जैसे ही गाड़ी रुकी वो मेरी गाड़ी लेके ही फरार हो गए वहां से जी। तो उस वक्त मेरा फोन जो है जी गाड़ी में रह चुका था, मेरे पास कोई फोन करने का साधन नहीं था जी। हाँ जी, तो जब मुझे दूसरी गाड़ी मिली तब उस आदमी का मैंने फोन लिया, उससे मैंने टेलीफोन किया, लेकिन उस टाइम के बाद फोन करने के पहले गाड़ी यहाँ से गिरिपुल नाके से आगे निकल चुकी थी जी। गाड़ी शायद J&K में ट्रेस हुई थी तो 370 के बावजूद मतलब वहाँ नहीं जा सकी 2-3 महीने पुलिस। उसके बाद टीम पुलिस के प्रशासन हमारे DSP साहब SHO साहब और जो टीम उन्होंने भेजी उन्होंने इतना सहयोग किया मेरे साथ, इतना सहयोग किया कि शायद मेरे पास उनके लिए शब्द नहीं है, और गाड़ी ढूंढ के लाई, जबकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि गाड़ी शायद 9-10 महीने बाद भी J&K से वापस आ सकती है। पर्याप्त संसाधन ना होते हुए भी गाड़ी ढूंढी और उस मुलजिम तक पहुंचे, लेकिन थोड़े से मुलजिम अभी नहीं पकड़े हैं। शायद पुलिस ये बता रही है, मुझे विश्वास दे रही है कि मुलजिम को भी हम पकड़ लाएंगे, लेकिन गाड़ी मुझे उन्होंने दिलवा दी है जी। मैं ड्राइवर के लिए ये मैसेज देना चाहूंगा जनाब आपके माध्यम से कि जब भी कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम आए तो कभी भी कोई उसका या तो आधार कार्ड वेरीफाई कर ले, फोटो ले ले अपने मोबाइल में, या कभी गाड़ी में चाबी ना रखे, या कभी भी किसी प्रदेशी आदमी के ऊपर विश्वास ना करे, ताकि जो हादसा मेरे साथ हुआ है किसी भी मेरे भाई के साथ, किसी भी हमारे पहाड़ी आदमी के साथ, किसी के साथ भी ना हो जनाब। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एस टुडे के साथ। नमस्कार।